हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग मशीन ब्रांड। और मैं आपका दोस्त उमेश आज एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो का बनाने का पर्पज ये था कि काफी कस्टमरों ने मुझे ये कहा था कि हमारे मशीन में बार बार थ्रेड टूट जाता है, बार बार सिलाई प्रॉपर आ नहीं रही है, तो इसका क्या इश्यू है। तो ये जो वीडियो बनने वाला है आज, धागा बार बार मशीन में क्यों टूटता है और किस लिए टूटता है, तो इसमें धागा ना टूटे तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर बार बार आपके मशीन में धागा टूट रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तो आइए देखते हैं ये वीडियो में कि धागा बार बार ना टूटे। तो आज मेरे सामने मैंने जो मॉडल रखा हुआ है सिंगर SM024 का मॉडल है। अदर कोई भी मॉडल में आपका बार बार धागा ब्रेक हो रहा है, बार बार धागा टूट रहा है, तो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो ये वीडियो के मैं जो बना रहा हूँ तो ये वीडियो में उसी के लिए बना रहा हूँ कि बार बार अगर धागा आपकी मशीन में टूटे तो आपको क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शटल पोर्शन पे आते हैं। तो शटल पोर्शन पे आने के लिए सबसे ये निकाल देना है। तो सबसे पहले हम आते हैं शटल पे, पर उसके पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो मैंने काफी वीडियोस में आपको मैं बताया, फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको हमेशा थ्रेड टेंशन के ऊपर जाना है। ये जो थ्रेड टेंशन दिया गया है नंबर वाइज 1 से लेकर 9 तक इस पे नंबर दिए गए है, बराबर। तो इस नंबर पे हमें खास ध्यान रखना है क्योंकि यही मेन पोर्शन है इसका कि अगर बार बार धागा टूटे तो ये प्लस में अगर आप जाते हो तो भी आपका धागा बार बार टूट सकता है। तो इसे हमेशा हमने कहा है कि हमेशा इसे 4 पिन मेंटेन करना है। इसके 4 के ऊपर कब जाना है, जब नीचे की सिलाई अगर आपकी लूज आती है तो इसे प्लस 1 पॉइंट प्लस प्लस कर करके, जैसे 4 पे यूज़ कर रहे तो 5 पे यूज़ करो, सिलाई चेक करो 6 पे यूज़ करो। ये सिर्फ हमें सिलाई अगर लूज आती है तो ही इसे बढ़ाना है, रेगुलर 4 पे यूज़ करना है। और एक दूसरी बात, अगर भूल से भी आप इसके अंदर थ्रेडिंग करते हो, मतलब मानो कि थ्रेड आपका यहाँ पे ऐसे होता है तो भी धागा टूटने के चांसेस बढ़ते हैं। ये सिर्फ हमारे बॉबिन वाइंडर के लिए दिया गया है, जब आपको बॉबिन भरनी होती तभी हमें इसका यूज़ करना होता है। सेकंड बात, हम आते हैं निडल के ऊपर। अगर निडल आपकी सही से ना लगी हो, अगर आपकी निडल सही से ना लगी हो तो भी आपका धागा बार बार टूटता है। तो सही निडल लगाने का तरीका जो है मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर सही से निडल ना लगी हो तो भी आपका धागा टूटता है। तो सबसे पहले आपको निडल निकाल देनी है। ये सुई मैं आप पहले निकाल रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने अपनी तरफ खोल के निकाल दिया। अभी मैंने इसके पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि निडल अगर आपकी गलत लगती है फिर भी आपका धागा बार बार टूटता है। तो देखिए, निडल का जो फ्लैट पोर्शन आता है वो हमेशा बैक साइड होना चाहिए, मतलब मशीन के पीछे की साइड होना चाहिए। अगर निडल का फ्लैट पोर्शन हम आगे की साइड रखते हो तो भी बार बार धागा टूट सकता है, बार बार सिलाई नहीं आएगी। इसीलिए हमेशा निडल का भी चेक करना है। हमने पहला जो था वो चेक कर लिया, दूसरा कि हमने थ्रेड टेंशन भी चेक कर लिया, तीसरा हमारा था ये निडल का पोर्शन। निडल का फ्लैट पोर्शन हमेशा पीछे की साइड होना चाहिए, आगे की साइड नहीं होना चाहिए। और जब निडल आप इसके अंदर प्रेस करते हो, मतलब निडल आप इसके अंदर लगाते हो, तो फ्लैट पोर्शन पीछे आता है और सुई जो है वो ऊपर प्रॉपर ऊपर तक जानी चाहिए। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए एक गोल पॉइंट आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक जो गोल पॉइंट है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा गोल पॉइंट है। देखिए यहाँ पे देखिए हल्का सा निडल टच हो रहा है, मैं आपको फिर से प्रॉपर जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये धागे के पास, देखिए वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको धागा भी निकाल के। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो उंगली है वहाँ पे देखिए निडल टच हो रही है। हाँ, तो ये चीज़ है, इस पॉइंट को निडल टच होनी चाहिए। अगर इसमें निडल टच हो जाती है उसके बाद ही आपको यहाँ पे इस स्क्रू को टाइट कर देना है। अगर निडल थोड़ी सी भी नीचे रहती है फिर भी बार बार धागा टूट सकता है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अभी चौथा पॉइंट जो आता है हमारा, वो आता है शटल पोर्शन पे। अगर ये तीनों चीज़ें सही है और फिर भी अगर आपका धागा टूटा है तो सबसे पहले आप इसे निकाल दीजिए। ये मैंने मेरे वीडियो में पहले भी बता चुका है, धागा अगर मशीन जाम हो जाती है तो किस तरह निकालते हैं, मैं आज फिर से वो रिमाइंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसे खोल दो, इसे भी खोल दो, इसे निकाल दो, ये निकल जाएगा। अगर आपकी मशीन में अगर यहाँ पे जो शटल है यहाँ पे अगर डस्ट होता है और शटल प्रॉपर नहीं घूम पाता है फिर भी धागा टूट सकता है, तो यहाँ पे आपको हमेशा ऑयलिंग करनी है। चलाने से पहले आपको यहाँ पे 2-3 ड्रॉप यहाँ पे जो ग्रिप लगी हुई है, ग्रिप जो दिख रही है ब्लैक कलर की, ये ग्रिप में और इसके पीछे की ग्रिप में यहाँ पे हमेशा ऑयल होना चाहिए। अगर आपका शटल ड्राई हो जाता है तो भी धागा बार बार टूटता है। ये बहुत बारीकी बारीक चीज़ें हैं जिससे आपका धागा ब्रेक होता है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपका धागा टूटता है तो पहले तो शटल आपको चेक करना है, यहाँ पे ऑयलिंग करनी है, फिर भी धागा टूट रहा है तो आपको निडल चेक करनी है। अगर निडल गलत हो फिर भी धागा टूट रहा है। तीसरा, थ्रेड टेंशन का प्लस में गए हो तो भी धागा टूट सकता है। और चौथा, जो मैंने आपको बताया कि धागा जिसमें से यू टर्न करके बॉबिन भरते हैं उसमें भी नहीं लगा होना चाहिए।
तो धागा अगर बार बार टूटता है तो आपको पहले यहाँ पे ऑयल करना है। आपने यहाँ पे ऑयल कर दिया, अब जिस प्रोसेस से मैंने ये शटल बिठाना बताया था आपको वो यहाँ पे बिठा दीजिए। और ऑयल करने के बाद आपको इमीजिएटली मशीन ऑपरेट नहीं करनी है, धागा वागा कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही 2 मिनट के लिए आप सिर्फ मशीन को ऑपरेट कीजिए, जिससे सारा ऑयल यहाँ पे सर्कुलेशन हो जाए और शटल आपका फ्री घूमे। तो फ्री घूमने से क्या होगा, आपका धागा ब्रेक नहीं हो। और दूसरी एक चीज़, आप अपना धागा भी थोड़ा चेक कर लीजिएगा, अगर हल्की क्वालिटी का होगा तो भी टूट सकता है, बाकी तो ऐसे इश्यू नहीं आते। तो यहाँ पे ऑयल करना ज़रूरी है, अगर आपका धागा बार बार टूट रहा है तो आप यहाँ पे ऑयल कर दीजिए और सुई चेक कर लीजिए, अगर सुई अगर थोड़ी सी डैमेज हो तो उसे भी निकाल दीजिए, आपका धागा टूटना बंद हो जाएगा। तो आज का जो ये वीडियो था ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर अगर आपके मशीन में बार बार धागा टूट रहा है तो आपको ये प्रोसेस करना जरूरी था। ये वीडियो बनाने का मेरा रीजन यही था कि काफी कॉल्स मुझे इसलिए आ रहे हैं कि हमारा बार बार धागा टूट रहा है, तो मैंने आपको बताया था इस मशीन में हाफ शटल की मशीन होने के रिगार्डिंग आपको इसमें फुल शटल की निडल ऑपरेट नहीं कर सकते, इसमें हाफ निडल ही यूज होगी, जिसमें एक तरफ से फ्लैट होता है और एक तरफ से राउंड होता है। अदर कोई भी ब्रांड की आप निडल इसमें यूज कर सकते हो, पर अच्छा होगा कि आप थोड़ी ब्रांडेड निडल यूज करो तो अच्छी बात है। तो ये वीडियो मेरा धागा टूटने के रिगार्डिंग बनाया गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलेगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर इसके इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।